हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो किड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज जैसा कि मैंने इससे पहले एक आपको प्री मैथ का कॉन्सेप्ट कराया था, दैट इज इन एंड आउट, इसी तरीके से मैं उसको कंटिन्यू करते हुए आई टुक सम मोर कॉन्सेप्ट। इवन इट्स अ प्री मैथ कॉन्सेप्ट ऑल्सो एंड इट्स इट कैन बी यूज इन सेंटेंसेस इन इंग्लिश एज वेल। ठीक है, ये आप सर इंग्लिश की सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आप प्री मैथ कॉन्सेप्ट तो है ही, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स, बिकॉज हम सोचते हैं कि छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं बच्चे बड़े होकर सीखेंगे, नहीं, लेकिन ये कुछ स्मॉल कॉन्सेप्ट होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती है बच्चों को हम प्री स्कूलर्स में ही सिखाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दे कैन यूज इन इंग्लिश इन सेंटेंसेज, बिकॉज आजकल के जो बच्चों की मेमोराइज जो करते हैं चीज़ों को, एंड दे आर वेरी फास्ट फॉर दैट, वो बहुत ही फास्ट करते हैं। तो हम इनिशियली ही प्री स्कूल में ही बच्चों को ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इवन अगर प्री स्कूल में ना कराएं तो नर्सरी में तो ज़रूर कराएं। अब जैसे अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में यू कैन इंट्रोड्यूस इट इन एट होम। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी जिसके थ्रू आप उन्हें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जिससे कि बच्चे स्कूल में भी जाएंगे तो उनको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब मैं आपको दो तीन कॉन्सेप्ट साथ में लाई हूँ, जिससे कि आपको अलग अलग वीडियोज़ नहीं देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो मेरा है, टॉल एंड शॉर्ट। टॉल का तो मतलब सभी जानते हैं, टॉल का मतलब क्या होता है, लंबा, एंड शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, और जो टॉल होता है, ऑफ कोर्स ही बात है, जैसे ट्री, वी आर मेकिंग टू ट्रीज, एंड विच वन इज द स्मॉल किड्स, दिस वन इज द स्मॉल एंड दिस वन इज द बिगर वन, बिगर और टॉलर वन, दिस वन इज द टॉलर। जो चीज़ बड़ी होती है, दिस इज़ द टॉलर एंड दिस इज़ द स्मॉल। इवन अगर ह्यूमन बींग में भी आप देखेंगे तो जो हाइट वाइज देखेंगे, जैसे मैंने टू पिक्स बताए, इसमें से विच वन इज द स्मॉलर वन, दिस वन इज द स्मॉलर एंड दिस वन इज द बिगर वन या टॉलर वन। बिगर एंड टॉलर इज द सेम थिंग, बिगर भी जो होता है वो बड़ा होता है, टॉल भी बड़ा ही होता है। तो कोई चीज़ बड़ी है, दैट इज़ द टॉलर हाइट में, एंड जो छोटी है वो शॉर्ट कहलाएगी। ठीक है, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू टॉयज, एंड विच वन इज द टॉलर वन एंड विच वन इज द शॉर्ट वन, दिस वन इज द बिगर और टॉलर एंड दिस वन इज द शॉर्ट, एंड दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। जो बड़ा होता है वो बिगर या टॉलर होता है, और जो छोटा होता है वो स्मॉलर होता है, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा आएगा, दैट इज द ओपन। नाउ वी विल लर्न अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज द ओपन एंड क्लोज। ओपन का मतलब होता है खोलना, एंड क्लोज का मतलब होता है बंद करना। जैसे कोई डोर है, डोर को हम ओपन करते हैं तो वो खोलना, तो डोर खुल जाता है, क्लोज करते हैं तो वो बंद हो जाता है। वी हैव दिस पार्लर किट, बच्चों की पार्लर किट है मेरे पास। तो अब जैसे ये क्लोज है, बंद है ये, एंड नाउ दिस इज ओपन, नाउ दिस इज क्लोज, नाउ दिस इज ओपन। ओके, वी आर क्लोजिंग द किट, वी आर ओपनिंग द किट, एंड दिस इज द एग्जाम्पल। आई एम टेकिंग द टॉयज, दैट्स व्हाई, जस्ट बिकॉज दिस इज फॉर किड्स वीडियो, तो दैट्स वाई आई एम टेकिंग ऑल टॉयज फॉर द एग्जाम्पल। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। इवन इफ यू विल टेक डोर, अब डोर में भी क्या चीज होती है, डोर क्लोज, डोर ओपन, डोर क्लोज, डोर ओपन। ऐसे ही किसी चीज को बंद करना को खोलने के लिए ही ओपन एंड क्लोज का जो यूज किया जाता है, चाहे वो बॉक्स हो, चाहे वो डोर हो, चाहे वो कोई भी किट्स हो, कुछ भी चीज़ है, अगर हम उसे ओपन करते हैं तो वी आर ओपनिंग दैट एंड वी आर क्लोजिंग, या कोई मूवी भी हो, क्लोजिंग मूवी में आ जाएगा, ओपनिंग नहीं आएगा। लेकिन हाँ, वी कैन टेक दीज एग्जाम्पल्स फॉर दैट। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया हो। तो बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे के समझाइए, बिकॉज जब बच्चों को छोटे छोटे वर्ड्स बच्चे सीखे तभी उसको सेंटेंस में यूज़ कर पाएंगे। जब वो बच्चों को क्लियर ही नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, तो वो कैसे यूज़ करेंगे। एंड ट्राई कीजिए डेली बेसिस पर बच्चों को कुछ ये जो है उनको रिवाइज कराते रहिए, जिससे उनको मेमोराइज हो सके और वो आराम से उस चीज़ को रिपीट करके, रिपीटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स, रिपीट कर करके बच्चे सीख जाए उस चीज़ को।
एंड जो सेकेंड थर्ड जो मैं आपको बताऊंगी दैट इज अप। आपका मतलब होता है ऊपर, डाउन का मतलब होता है नीचे, ठीक है। आपका मैंने जैसे मतलब बताया ऊपर, डाउन का मतलब नीचे, ठीक है। तो अब जैसे मैंने ये एरोज के एग्जांपल दिए है, उसमें आपका मतलब यानी जब हम ऊपर जाते हैं तो दैट इज अप। जैसे हम स्टैंड अप होते हैं तो खड़े हो जाते हैं, स्टैंड डाउन यानी नीचे बैठ जाते हैं। तो खड़े होने को क्या कहेंगे अप, और बैठने को क्या कहेंगे डाउन। ऐसे ऊपर जाने को क्या कहेंगे अप, नीचे जाने को क्या कहेंगे डाउन। दिस पोजिशन वुड बी, अगर हम खड़े होते हैं तो अप, एंड दिस पोजिशन वुड बी डाउन। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट। एंड जैसे ही वी आर गोइंग फ्रॉम स्टेयर्स, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो दैट इज यू आर गोइंग अप, एंड स्टेयर से अगर हम नीचे आ रहे हैं तो इस टर्म इज डाउन। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आप डेली रूटीन में भी बच्चों को ये सब चीजें क्लियर कर सकते हैं। एंड आई इंसिस्ट कि आप बच्चों को मोस्टली छोटे छोटे वर्ड्स है वो इंग्लिश में यूज कीजिए, जिससे कि बच्चों की इंग्लिश घर पे ही अच्छी हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।